दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, यानी कि आने वाले 15 दिन अरविंद केजरीवाल के जेल में ही बीतेंगे। इससे पहले ईडी की हिरासत में थे। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि जांच कर रही है शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की, और उसी को लेकर 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहे। हर दिन 5 घंटे पूछताछ हुई और लगभग 50 घंटे अरविंद केजरीवाल से इस बाबत पूछताछ हो चुकी है। और ईडी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी चीजों को का वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब यही आधार ईडी ने कोर्ट में भी दिया और कहा कि जब जरूरत होगी तो हम रिमांड की मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल से। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उनका यह कहना है कि जेल से ही सरकार चलेगी, इस बात पर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है, जबकि बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और कहा कि प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं देश के लिए।